हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 का और निफ्टी बैंक का जो चार्ट है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर उसके क्या टारगेट हो सकते हैं। उसके बाद जो बैंकक्रप्ट होने वाली कंपनी है सिंटेक्स इंडस्ट्री, उसका फ्यूचर देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से बायर इंटरेस्टेड हैं। देन हम पेटीएम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो शेयर मार्केट का जो पोर्शन है उसके लास्ट में मैं आपको ऐसी दो कंपनी बताऊंगा जो एयर प्योरीफायर जो बिजनेस है उसके अंदर काफ़ी अच्छी पोजिशन के अंदर हैं और मीडियम टर्म में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और वीडियो का जो नेक्स्ट हाफ होगा उसके अंदर हम क्रिप्टो के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है क्रिप्टो के रिगार्डिंग वो क्या है, ये पब्लिक और प्राइवेट का जो कन्फ्यूजन है, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ मैं आपको जो टॉप की 10 क्रिप्टो करेंसी हैं मार्केट कैप के हिसाब से उनके चार्ट भी शेयर करने वाला हूँ कि वो कहाँ पे लाई कर रही हैं, उनके क्या टारगेट और सपोर्ट हो सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक डिस्क्लेमर भी है दोस्तों, जो भी मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस आप ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों निफ्टी 50 के वीकली चार्ट के ऊपर। अगर आप मेरी जो वीकली एनालिसिस वाली वीडियो है वो रेगुलर देखते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बना था, उस समय आपको क्लियर कट बता दिया था कि यहाँ से इसका जो टारगेट है, मैंने कंजर्वेटिव टारगेट दिया था 17,000 का, और उसके बाद मैंने एग्जैक्ट जो आपको टारगेट दिया था 18,500 से 600 का दिया था। और इसने जो हाई बनाया है ऑलमोस्ट वहीं पर लगभग 18,600 के आसपास का इसने हाई बनाया है। अगर इसको हम डेली चार्ट के अंदर करें तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि अब फिलहाल सिचुएशन क्या है। ये देखिए, ये हाई बनाने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चला है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब जो है लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ आप स्ट्रक्चर देखिए, पहले जो था हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन हो रही थी। और साथ साथ यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे देखेंगे आपको तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आएगा जो कि बियरिश पैटर्न है, और इसका टारगेट कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 16,600-700 के आसपास। और ये जो कैंडल थी फ्राइडे की, ये भी काफ़ी बियरिश कैंडल है, ऑलमोस्ट मारुवाजू कैंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बियरिश क्लोजिंग निफ्टी 50 ने दी है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक ये इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 16,600 से 700 का है, इसका टारगेट भी है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो ये इसको यहाँ पे टेस्ट करने आ सकता है। हालांकि 17,000 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूर है, वहाँ से छोटा मोटा एक बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन यहाँ से जो भी बाउंस बैक मिले आपको सैलून राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। और जिस शेयर्स के अंदर आप फंसे हुए हैं ऐसे शेयर के अंदर आप निकलने की कोशिश कीजिएगा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कोई लेके आपने रखा हुआ है तो। हालांकि जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी जो चार्ट के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है काफ़ी बड़ा फॉल अभी कि हमें उम्मीद उसकी कम है, बिकॉज इसका पैटर्न का भी जो टारगेट है वो 16,500 से 600 है। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस सपोर्ट के ऊपर किस तरीके से बिहेव करता है। यहाँ से शायद हो सकता है हमें एक बाउंस बैक ज़रूर मिलेगी जो इसको दोबारा से 17,200 की तरफ ले जा सकती है, लेकिन इस बाउंस बैक को भी हम तभी कंसिडर करेंगे जब ये जो अपने 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है कम से कम उसके ऊपर ट्रेड करें तो हम मानेंगे ये बाउंस बैक रियल है, नहीं तो ये भी हमें एक तरीके से सैलून राइज का मौका देगा। और फिर से नीचे आता है 16,600-700 का जो यहाँ पे कहीं अगर ये लो बनाता है ऊपर जाता है फिर उस लो के नीचे फिर से ब्रेक करता है तो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है अभी इस पूरे करेक्शन का वो आता है कहीं ना कहीं 16,000 के आसपास। क्योंकि 16,000 के आसपास यहाँ पे 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज है। और साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लेवल था
यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, लेकिन अभी तक इंडेक्स इसको टेस्ट करने के लिए नहीं आया था, तो 16,000 काफ़ी क्रूशियल लेवल होगा, फिर इसको ये टेस्ट करने यहाँ पे आ सकता है। और ये साथ ही साथ मेक एंड ब्रेक लेवल भी होगा, अगर 16,000 यानी कि 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर काफ़ी बड़ी करेक्शन आ सकती है। हालांकि उसकी उम्मीद अभी कम है मेरे हिसाब से। फिलहाल जो चार्ट का एनालिसिस ये बोल रहा है कि 16,700 को ये टेस्ट करेगा, उसके बाद एक बाउंस बैक देगा, फिर वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक किस तरह के कैंडल की फॉर्मेशन होती है, देन हम बाद में फर्दर इसको बता सकते हैं। तो फिलहाल मेरी यही राय है कि आप सेल ऑन राइज को कंटिन्यू रखिए। बाई के हिसाब से मेरे पास अभी फिलहाल कोई एज पर्टिकुलर लेवल नहीं है, जो भी आपको बाउंस बैक मिलेगी उसमें आप सेल कीजिएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 17,200 का, इमीडिएट सपोर्ट है 17,000 का, 17,000 के नीचे जैसे ही फिसलेगा फटाफट से 16,800-700 को टेस्ट करेगा, वहाँ पे शायद इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। और अल्टीमेट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 16,000 के आसपास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा। मेक और ब्रेक लेवल होगा निफ्टी 50 के लिए। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखा जाए तो बिल्कुल करेक्शन चालू है, और अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना सपोर्ट है जो इसका 35,900 से 37,000 का वहाँ पे आ गया है, बिकॉज यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया था। और साथ साथ जो 200 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी कहीं ना कहीं यहीं पे है, तो यहाँ से हमें हो सकता है बाउंस बैक मिल जाए और ये फिर से ऊपर की तरफ 36,500 एंड देन 37,000 को शायद ये टेस्ट करने जा सकता है। हालांकि इसका भी स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव है, 50 डेज की मूविंग एवरेज को ये तोड़ चुका है और अब ये यहाँ पे 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो जी बिल्कुल इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज होती है उसको होली ग्रेल माना जाता है। अगर इसके नीचे इसने ट्रेड किया तो फिर ये और काफ़ी नीचे जा सकता है, फिर ये 34,000 तक के भी लेवल टेस्ट कर सकता है, तो आप इसमें अलर्ट रहिएगा। यहाँ से मेरे हिसाब से जो है इसकी 200 डेज की मूविंग एवरेज यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है, तो हमारा यही सपोर्ट का एरिया होगा नेक्स्ट वीक के लिए 35,900 से 36,000 का, और रेजिस्टेंस का जो एरिया होगा वो कहीं ना कहीं 36,500 के आसपास का होगा। उसके ऊपर अगर ये जाएगा तो फिर थोड़ा सा और ऊपर 37,000 और 37,200-300 को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं बैंकरप्ट सिंटेक्स इंडस्ट्री के बारे में, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। बहुत से इन्वेस्टर इसको लेके काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने इसके लिए बिड लगाई है। ऑब्वियस है, अगर इतनी बड़ी जो है फर्म, इतनी बड़ी कंपनी इसको खरीदेगी तो सिंटेक्स इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म आगे चल के कर सकता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि 2017 के अंदर इसका जो प्लास्टिक का बिजनेस था वो अलग हो गया था, और अभी जो सिंटेक्स इंडस्ट्री जो बैंकरप्ट है वो बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है। आप इनका जो होम पेज है उस पर आप पढ़ सकते हैं। देखिए जो सिंटेक्स इंडस्ट्री है वो डीमर्ज हो गई थी दो कंपनी के अंदर, और एक का जो बिजनेस था वो टेक्सटाइल का था और दूसरे का था प्लास्टिक का। तो ये जो बैंकरप्ट हुई है बेसिकली ये एक टेक्सटाइल वाली कंपनी है। तो यहाँ पे जो बीडर सामने आ रहे हैं हमारे, आप नीचे न्यूज़ पे देख सकते हैं, रिलायंस है जो टॉप बीडर है इसके अंदर, उसके अलावा वेल्सपन कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी, इजी को टेक्सटाइल, ट्राइडेंट काफ़ी शानदार कंपनी है, उसके अलावा हिम्मत सिंह का वेंचर और भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने के लिए। तो इनके लिए तो दोस्तों फ़ायदे का सौदा बिल्कुल हो सकती है, कंपनी अच्छी है, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है, लेकिन एज ए शेयर होल्डर आपके साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व है एक बार उसको भी इसके अंदर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उस केस में सबसे पहला जो हक होता है, जो जो उनके क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया होता है, उनके लोन को एडजस्ट किया जाता है, और उनके लोन को एडजस्ट करने के बाद देन उसके बॉन्ड होल्डर, डिवेंचर होल्डर और बहुत सारे जो क्रेडिटर होते हैं उनको उनका हिस्सा दिया जाता है। अगर जो ये जो है जितना इसने कर्जा लिया है, अगर वो ये जो कंपनी है ये बिक गई है और उस पैसे से अगर ये पूरा का पूरा कर्जा उतर जाता है, उसके बाद कोई पैसा एक्स्ट्रा बचता है तो फिर ये उनके पास जाता है, और सबसे लास्ट में जो आते हैं वो शेयर होल्डर की कैटेगरी आती है। इसलिए इस
कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की हो सकता है। हो सकता है कि ये आगे चल के डीलिस्ट हो जाए, जैसे कि DHFL और लक्ष्मी विलास बैंक के केस में हुआ था। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से आपको, जैसे आप पैनी शेयर के अंदर पैसा लगाते हैं अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2%, ऐसे ही आप सिंटेक्स इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगा सकते हैं। मैं पैसा लगाने से बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा दोस्तों, लेकिन ये रिस्की है, इसलिए तो पैनी शेयर के जैसा आप पैसा लगाते हैं उतना लगाइए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के, बिकॉज डिपेंड करता है इसको कौन खरीदता है, चाहे वो रिलायंस खरीदे या वेल्सपन या ट्राइडेंट, व्हाटएवर कंपनी जो इसको बाय करेगी, वो हो सकता है आगे चल के इसको डीलिस्ट भी करा सकती है और ये कंपनी बैंकरप्ट है। तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे नहीं लगता कि शेयर होल्डर को कुछ भी मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे टिकट और फिनोलॉजी की साइट पे जाऊँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी की जो पूरा मार्केट कैप है वो सिर्फ 770 करोड़ का है, और ऊपर से इसके ऊपर जो डेप्ट है वो है 6500 करोड़ का। आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट जो है 9 टाइम कंपनी के साइज का इसके ऊपर डेप्ट है। तो कंपनी अगर बिक भी जाएगी तो भी इसका जो डेप्ट है वो रिकवर नहीं होगा, इसीलिए हो सकता है जो है शेयर होल्डर को इसमें से कुछ भी ना मिले और डीलिस्ट हो गई, तो आप जो है आपका जो सारी की सारी कैपिटल है वो जीरो हो सकती है। तो अपने रिस्क के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, आपको अलर्ट रहना है। अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो यहाँ पे मैंने इसका मंथली चार्ट लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी ये 52 पे ट्रेड करता था 2008 के अंदर, तब से इसने, आप देख सकते हैं चार्ट का स्ट्रक्चर, लोअर हाई की फॉर्मेशन करी है, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था और यहाँ पे कहीं 50 पैसे का यहाँ पे कभी लो बनाया था। हालांकि दोबारा से अगर मैं इसको वीकली के अंदर करूँ तो यहाँ आप अच्छे से समझ पाएंगे, वीकली के अंदर करूँ तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट फ्रंट पे जरूर इसके अंदर एक कैंडल का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई है, इसलिए आप चाहें तो इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उतना ही लगाइएगा जितना पैनी शेयर के अंदर आपको लगाना है। और चार्ट फ्रंट पे इसका जो अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है कहीं ना कहीं 10 साढ़े 10 रुपये के आसपास, और इमीडिएट जो हर्डल है वो है 16 से 17 रुपये के आसपास। तो ये बात होगी सिंटेक्स की। चलिए अब बात करते हैं पेटीएम की। दोस्तों पेटीएम जो कंपनी है मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार कंपनी है, इसका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इसका जो IPO आया था वो ओवर वैल्यूड था, इसी वजह से 2150 का जो IPO था वो डिस्काउंट में करते करते, अगर या मैं यहाँ पे लो देखूँ तो ये लगभग 1271 का लो बनाता है, यानी कि ऑलरेडी जो वैल्यूएशन वाला पार्ट था वो जो है ऑलरेडी डिस्काउंट हो गया है। और इस समय हालांकि अगर मैं देखूं तो अभी भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर है पेटीएम, लेकिन ये जो शेयर है इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया था कि आप बिल्कुल पेटीएम के अंदर 1400-1500 के आसपास अगर आपको मिले तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उस समय जिसने इन्वेस्टमेंट करी थी वो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है। तो जो मेन जो पार्ट था इसका वैल्यूएशन था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, और मेरे हिसाब से इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जो पेमेंट सर्विसेज तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अब ये इंश्योरेंस, गोल्ड, ब्रोकिंग का सेगमेंट, और इवन हो सकता है आगे चल के ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस या फिर डिजिटल जो बैंक का लाइसेंस भी ये RBI से अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरीके का जो फ्यूचर मुझे पेटीएम का फिलहाल दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दीजिए, आप इसके अंदर स्टैगर्ड वे में बाई कीजिए, उसके बाद इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक कीजिए, इसका इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है तो इस कंपनी के अंदर काफ़ी पोटेंशियल मुझे नज़र आता है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल फ्रंट पे जब भी आपको ये 1500 के आसपास मिले इस रेंज के अंदर, आप इसके अंदर स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है पेटीएम के ऊपर। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपके साथ दो ऐसे शेयर बताऊंगा जो एयर प्यूरीफायर वाला जो बिजनेस है उसके अंदर इंडिया की मार्केट के लीड करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन एक कंसर्न बना हुआ है तो एयर प्यूरीफायर की जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो उसके अंदर दो शेयर हैं, पहला है फिलिप्स का जो कि मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं है, हालांकि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं, और उसका जो रेट फिलहाल चल रहा है वो है कहीं ना कहीं 1600 के आसपास इसका
फिलिप्स इंडिया का रेट है जो आपको अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरा जो शेयर है वो है हनीवेल ऑटोमेशन का। हनीवेल जो ऑटोमेशन है वो NSE BSE के ऊपर लिस्ट है, यानी कि आप इसको शेयर मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और अब इसके अंदर काफ़ी करेक्शन भी हो चुकी है, इसने कहीं ना कहीं 50,000 तक का हाई बनाया था ऑलमोस्ट, और उसके बाद अब ये करेक्शन के मोड में चालू है। और अब अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है, और ये जो सपोर्ट है वो है लगभग 37,000 से 38,000 का। तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर प्योरीफायर का जो बिजनेस है वो आगे चल के काफ़ी बूम करेगा, तो मीडियम टर्म के लिए आप हनीवेल ऑटोमेशन और फिलिप्स इंडिया भी अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो जाए तो आप उसको बाई कर सकते हैं। हालांकि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर अपने ही रिस्क और बेनिफिट होते हैं, तो अगर आपको अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरी वीडियो है उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसके थ्रू जो रिस्क और रिवॉर्ड है उसके अंदर अनलिस्टेड मार्केट के अंदर वो आप वीडियो आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर चैनल का ब्रेकआउट हुआ था और अब यही जो है इसका सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अब ये काफ़ी अच्छी पोजीशन के अंदर है। डेली चार्ट के अंदर भी देखें तो ये देखिए ये इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है, साथ साथ इस जो चैनल का अपर पार्ट था इसका भी यहाँ से हनीवेल ऑटोमेशन को फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा, 38,000 से नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसको यहाँ पे लमसम बाई नहीं करना है, स्टैगर्ड वे में बाई करना है, बिकॉज मार्केट जो है आगे चल के करेक्ट हो सकती है, इसलिए हो सकता है हनीवेल के अंदर भी थोड़ा बहुत करेक्शन आए, इसलिए स्टैगर्ड मोड में मीडियम टर्म के लिए आप बिल्कुल इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, कुछ चार्ट एनालिसिस आपको दिखाने थे, वो मैंने जो है उसको कंप्लीट कर दिया। अब बात करेंगे वीडियो का सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर हम क्रिप्टोज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी, और साथ साथ जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है उनका चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी वाले पार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल 2021 के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल को बनाया है और इस बिल के अंदर क्लियर कट ये बोला है कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन किया जाएगा और RBI अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी निकालेगा जो मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉकचेन बेस्ड होगी, और जितनी भी हमारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे न्यूज़ है, सेट टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। तो अब जो है जो ड्राफ्ट का जो कंटेंट है, जो बिल है उसका जो कंटेंट है वो हमें किसी को नहीं पता किस तरीके की उन्होंने डेफिनेशन दी है कि गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कौन सी होती है, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी होती है। वो तो जैसे जैसे जो ड्राफ्ट है वो उसके कंटेंट हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से ही हम एग्जैक्ट इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन लोग अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी सब स्पेस के अंदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो जनरली वो क्रिप्टो करेंसी जिसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है वो ट्रेस करना मुश्किल होता है। तो इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर सबसे पहले है मोनेरो, देन डैश, जेड कैश, कुछ इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी है जिनके अंदर जो है ट्रांजेक्शन को प्राइवेटली जो है प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ऑफर करती है और ट्रांजेक्शन को प्राइवेटली कराया जाता है, सो डैट कि जो उसकी हिस्ट्री है उसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। देखिए कॉइन मार्केट कैप के अंदर मैं आपको मोनेरो के ऊपर ले आया हूँ, मोनेरो के आप नीचे व्हाट इज़ मोनेरो इसमें पढ़ेंगे तो इसमें यही यूनिकनेस है कि इट इज़ डिज़ाइन टू ऑब्स्क्योर सेंडर्स एंड रिसिपियंट्स अलाइक थ्रू द यूज़ ऑफ एडवांस क्रिप्टोग्राफी, यानी कि इसका प्रायोरिटी ही यही है कि इसको जो है प्राइवेसी को आगे बढ़ाना है, जो इनके यूज़र हैं जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए जो ट्रांजेक्शन है उसको प्राइवेट रखना है। तो ये कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है मैंने आपको बताया, XMR जिसको हम मोनेरो बोलते हैं, इसके अलावा जेड कैश और डैश, लेकिन ये हमारी क्रिप्टो स्पेस की डेफिनेशन है कि दीज आर द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जितने
जितने भी करेंसी जिसको आरबीआई बैक नहीं करता वो सारी की सारी प्राइवेट है, और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी वो है जो आरबीआई अब लाने वाली है, जो आरबीआई डेवलप करने वाली है। तो उस हिसाब से अभी हम किसी भी इंटरप्रिटेशन के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बिल का जो कंटेंट है अभी किसी को नहीं पता। तो मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप कोई भी इस तरीके का फ्रेश बाइंग जो है क्रिप्टो के अंदर मत कीजिए, ना ही अपना जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको सेल कीजिए। जैसे जैसे पता लगेगा कि इस बिल के क्या क्या कंटेंट हैं, गवर्नमेंट ने कैसे प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो को डिफाइन किया है, उसी के हिसाब से हम लोग इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बेसिकली मोनेरो जैसी जो आपके ट्रांजेक्शंस के डिटेल्स को हाइड कर देती हैं, जबकि अदर जो क्रिप्टो करेंसी है जैसे चाहे वो बिटकॉइन हो इथर हो वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे कोई भी इन ट्रांजेक्शन की जो ट्रेल है उनको देख सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट ने यही डेफिनेशन को अडेप्ट किया हो सकता है, मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट के लिए पब्लिक क्रिप्टो करेंसी वो होगी जो हमारी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होगी जो आरबीआई इशू करेगा। तो इसके ऊपर अभी किसी को नहीं पता कि क्या जो है फाइनली गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा, क्या उस ड्राफ्ट के या क्या उस बिल के कंटेंट है। पहले ये हमारे दोनों हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, उसके उसके अंदर जो है इस पर्टिकुलर बिल को पेश किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, फिर बहस होगी और दोनों से पास होने के बाद ही ये एक्ट बनेगा। तो धीरे धीरे जो विंटर सेशन शुरू होने वाला है 29 नवंबर से, तो हमें इसके बारे में पता लगेगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप स्टेटस क्यू मेंटेन करिए, जो आपका पोर्टफोलियो है उसको ना तो सेल कीजिए ना उसके अंदर ऐड कीजिए, यही मेरी आपसे एडवाइज रहेगी। चलिए अब हम चलते हैं टॉप क्रिप्टो करेंसी के चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला जो हमारा चार्ट रहेगा वो होगा बिटकॉइन का। दोस्तों अगर बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं डेली चार्ट यूएसडीटी पेयर के साथ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकनेस हमें दिखाई देती है। चार्ट का जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोअर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। तो अभी जो इसका चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है, 50 डेज की मूविंग एवरेज को ऑलरेडी तोड़ चुका है, और अब जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है वो है 50,000 के आसपास। 50,000 को भी तोड़ता है तो फिर ये 45,000 की तरफ, यानी जहाँ इसकी 2 दिनों की मूविंग एवरेज है वहाँ पे आने की कोशिश कर सकता है। और एंट्री के लिए जब तक ये 61,000 या यूं कहें कि ये जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है इसके ऊपर क्लोज नहीं कर जाता, तब तक बेटर आप इसके अंदर एंट्री मत करें, या फिर 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती है अगर रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन हो, या फिर 50,000 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट है, साथ साथ यहाँ पे जो लेवल है इसने भी पहले रेजिस्टेंस का काम किया तब सपोर्ट का काम कर सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे रिवर्सल कैंडल चेक करनी है 50,000 के आसपास। अगर आपको लगे कि रिवर्सल कैंडल आई है साथ साथ वॉल्यूम भी है तो आप इसके अंदर यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं। हालांकि जब मैं ये बात करी मैंने मीडियम टर्म की, अगर मैं लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये अभी भी पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये इसका स्विंग हाई है, ये स्विंग लो, ये इसका स्विंग हाई है, तो पिछले हाई से ऊपर है, यानी कि अभी भी यहाँ पे हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है। तो अभी तक जो इसका मीडियम टर्म का जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, और शॉर्ट टर्म का कहीं तो वो थोड़ा सा अभी नेगेटिव है। अगर मैं आपको एक अलर्ट लेवल बताऊं तो अलर्ट जो लेवल है वो रहेगा मेरे हिसाब से 39,000 US डॉलर का, क्योंकि ये इसका प्रीवियस स्विंग का लो है। अगर 39,000 US डॉलर के नीचे इसने ट्रेड किया, वहाँ पे सस्टेन किया, तो फिर इसका चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा। इन दैट केस आप इसमें से बिल्कुल एग्जिट कर दीजिए, उस पर्टिकुलर केस में 200 दिनों की मूविंग एवरेज के भी नीचे आ जाएगा, और फिर मेरे हिसाब से ये आपको ट्रैप करेगा, ऊपर जाएगा आपको ट्रैप करेगा, फिर नीचे ले आएगा। तो आप प्लीज़ लेवल्स पे ही ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट है हमारा 50,000, उसके बाद 45,000 US डॉलर, और अगर जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 55,000 के आसपास, उसको निकालेगा तो फिर से ये 59,000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन बाइंग के मैंने आपको दो लेवल बताए, एक तो था इसके 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करे, और दूसरा 50,000 और
45,000 के अराउंड, लेकिन वो भी हमें रिवर्सल और वॉल्यूम के साथ इसको यहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट चार्ट है इथेरियम का। इथेरियम को देखें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है वही 3900 से 4000 के आसपास, यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। साथ साथ 50 डेज की मूविंग एवरेज है, वहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहा है। आप अगर रिस्की खिलाड़ी हैं तो यहाँ पे एक बार आप 3900 का SL लगा के आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा 4200 का और लगभग 4300-4400 तक के आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन अगर 3900 के नीचे क्लोज करता है फिर उस केस में ये जो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा सपोर्ट का, फिर ये आएगा करीब करीब 3500 के आसपास, और उसके बाद ये 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है 3100 वहाँ तक भी आ सकता है। तो लेवल्स के हिसाब से आप इसके अंदर जो है एंट्री बनाइएगा। और अभी जो इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस है वो है कहीं ना कहीं 4200 से 4300 US डॉलर के आसपास। बीएनबी की बात करें तो बीएनबी अगर बिटकॉइन और इथेरियम को देखा जाए तो उसके मुकाबले जो बाइनेंस है बीएनबी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, बिकॉज ये अपनी जो है 200 दिनों की और 50 दिन की मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें ये अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, देखिए इस चैनल का जो अपर पार्ट है इसके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 600 से 610 का एरिया इसके लिए काफ़ी क्रूशियल है, इसको अगर निकाल देगा तो फिर ये 650 की तरफ बढ़ सकता है। तो अगर आपकी पोजीशन है तो मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और फ्रेश बाइंग के लिए आपको या 510 से 540 का लेवल बहुत ही बढ़िया रहेगा, वहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। या फिर ये इसको निकाले, 610 को निकाले, इस जो चैनल है का अपर पोर्शन इसको निकाले तो भी वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। हालांकि ये बिटकॉइन और इथेरियम के मुकाबले इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो आप यहाँ पे इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 540 और 510 का, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 610 के आसपास, और अगर ये 510 को तोड़ देता है तो फिर बिल्कुल आप इसमें से एग्जिट कर जाइएगा। फिर उस पर्टिकुलर केस में इसके अंदर बड़ी फॉल आएगी, फिर ये सीधा 410 और 380 तक के लेवल भी हमें दिखा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सोलाना। सोलाना का चार्ट मुझे काफ़ी पसंद है, हालांकि इसने भी 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे अब क्लोज करना शुरू कर दिया है। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इसके अंदर यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं। आपका SL रहेगा 175 का, 175 US डॉलर के नीचे आप इसे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो फिर इस ट्रेड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर ये कोशिश करेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं 140 और 110 एंड इवन 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है 105 उसको टेस्ट करने की ये कोशिश कर सकता है। तो ये 175 का जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल है, तो आप यहाँ से इसका 175 का ही SL लगा के एक बार बाइंग कर सकते हैं। टारगेट रहेगा आपका 200 एंड देन 220 से 25 के आसपास। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 200 और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 223 के आसपास। नेक्स्ट है अडा यानी कि कार्डेनो। और कार्डेनो जो हमारा सोया हुआ शेयर था उसने 50 डेज की मूविंग एवरेज के बाद 200 दिनों की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है, साथ साथ ये वाला जो ट्रायंगल पैटर्न था उसका भी ब्रेक डाउन कर दिया है। तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर एग्जिट कर दीजिए। जब भी आपको इसके अंदर राइज मिले तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इसके अंदर अपनाइए। अब इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 1.7 है, 1.7 के अराउंड अगर ये रिवर्सल कैंडल बनाता दिखे आपको तो वहाँ पे एक सेल की पोजीशन बिल्कुल आप ले सकते हैं। और फिलहाल जो आपका पोर्टफोलियो है ये काफ़ी चार्ट के ऊपर वीक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप बाउंस के अंदर एग्जिट करें। इसका इमीडिएट सपोर्ट है 1.5 डॉलर, 1.5 डॉलर के नीचे ये 1 डॉलर तक के टारगेट दिखा सकता है। ये जो ट्रायंगल पैटर्न है उसका भी टारगेट कहीं ना कहीं 1 डॉलर के आसपास आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अडा का जो चार्ट है अब बिल्कुल बियरिश जोन के अंदर चला गया है। नेक्स्ट है हमारा XRP रिप्पल। ये भी हमारा सोया हुआ शेयर था और इसने भी दोनों जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर दिया है। तो इसके अंदर भी सेम अडा वाली स्ट्रेटजी रहेगी, सेल ऑन राइज, एंड अगर आप इसके अंदर होल्डिंग है तो कोशिश करिएगा जो भी ऊपर की तरफ उछाल आए उसके अंदर आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। इसका इमीडिएट सपोर्ट है 0.9 US डॉलर के आसपास, उसके नीचे जाएगा तो 0.85 को टेस्ट करेगा, मतलब 0.85 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर इसके अंदर फॉल बड़ा आएगा। इन दैट पर्टिकुलर केस ये 0.50 US डॉलर को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है, लेकिन फॉल इस तरीके से नहीं आता दोस्तों। कभी भी पहले डाउन जाता है फिर अप फिर डाउन फिर अप, इस तरीके से फॉल आता है।
अब चलते हैं डॉट के चार्ट के ऊपर। डॉट ने भी ये वाला जो ट्रेड लाइन थी इसका ब्रेक डाउन दे दिया है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 37 का, उसको भी ब्रेक कर दिया है। इसके अंदर भी मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस अब ये पूरा 38 से लेके 40 44 तक का पूरा जोन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी ऊपर बाउंस बैक करे आप इसको सेल कर सकते हैं। और इसकी एक एंट्री ऊपर की तरफ जो बनेगी वो $44 के ऊपर क्लोज करेगा तो हम बाई साइड में जाएंगे, या फिर नीचे की तरफ जो एंट्री बनती है वो कहीं ना कहीं आप इसकी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 28 का, तो वहीं पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब आपको जल्दी ये 31 और 31 के बाद 28 तक के लेवल आपको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 28 के आसपास इसके अंदर बेस्ट बाइंग बन सकती है, प्रोवाइडेड आपको अगेन रिवर्सल कैंडल और वॉल्यूम को चेक करना होगा। नेक्स्ट है हमारा वी चेन। हालांकि टॉप 10 के अंदर नहीं आता लेकिन बहुत से लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो इसका भी चार्ट देख लेते हैं। इसने 50 डेज की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी है, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, तो यहाँ पर इसके ट्रेडर बाइंग कर सकते हैं। आपका जो एसएल रहेगा वो होगा 0.10 का। इसके नीचे अगर ब्रेक करे तो आप इसमें से एग्जिट कर जाएगा, तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक ले और 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है 0.13 इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो रहेगा 0.12 का और उसके बाद 0.13 का सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। और किसी भी केस में अगर ये 0.10 के नीचे क्लोज करे सस्टेन करे तो आप एग्जिट कर जाइएगा। उस केस में ये जो इसकी सपोर्ट लाइन है ट्रेड लाइन है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ 0.08 एंड 0.05 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। आज का हमारा लास्ट जो है क्रिप्टो है वो है ट्रॉन TRX। ये भी काफ़ी लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है इसलिए इसका जो चार्ट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और 50 डेज की मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस ले रहा है, इसलिए जो इसका एरिया है ये लगभग है 0.10, तो यही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर ये जाए तो बिल्कुल बाइंग बन सकती है इसके अंदर, फिर ये अपना फर्दर जो रेजिस्टेंस है $0.12 का उसको टेस्ट कर सकता है। अभी अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है जो कहीं ना कहीं है 0.08 और 0.09 समझ सकते हैं, वहाँ इसका सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे भी एक रिस्क ट्रेडर बाइंग कर सकते हैं। एसएल रहेगा आपका 200 दिनों की मूविंग एवरेज, वहाँ से एक बाउंस बैक आपको मिल सकती है। लेकिन किसी भी केस में अगर ये 0.082 के नीचे क्लोज करता है सस्टेन करता है तो प्लीज़ आप इसे भी एग्जिट कर दीजिएगा। उस पर्टिकुलर केस में फिर ये 0.05 को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो दोस्तों जो हमने क्रिप्टो करेंसी के चार्ट देखे हैं ज़्यादातर बियरिश जोन के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बियरिश सेंटीमेंट मार्केट के अंदर हैवी है। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप अलर्ट रहिएगा, जो ट्रेड कर रहे हैं कोशिश करिएगा आपने जो लेवल्स है उसी के ऊपर ही ट्रेड करें। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों बिकॉज मुझे टाइम नहीं लग पाता अलग अलग वीडियो बनाने का, इसीलिए मैंने एक वीडियो के अंदर सम अप करने की कोशिश करी है। जिसको जो पोर्शन पसंद है, अगर आपको शेयर मार्केट वाला पोर्शन पसंद है तो आप फर्स्ट पोर्शन देख लीजिएगा, और अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड देखना है तो आप जो लास्ट पोर्शन है प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे लेवल्स हिट हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।